से जो मेरी शाखों पर अपना डेरा बसाते हैं, उन हवाओं से जो दूर दूर की खबरें लेकर आती है, अपने इन बरसों पुरानी जड़ों से जो जमीन के भीतर दफन हजारों बरस पुराने किस्से और कहानियां खोज लाती है और मुझे सुनाती है। उन्हीं किस्से कहानियों के जमघट में छुपी एक कहानी मैं आज आपको सुनाता हूं। गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर हजारों साल पुराने बसे हुए शहर की कहानी, प्रयागराज की कहानी, जिसका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। सनक जी से पूछा कि सर्वोत्तम तीर्थ कौन सा है, तब उन्होंने बताया कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जितने पुण्य क्षेत्र विद्यमान हैं, उनमें प्रयाग नामक तीर्थ सबसे उत्तम है। यहां पर ब्रह्मा जी ने स्वयं कई यज्ञ संपन्न किए थे, इसलिए प्रयागराज को तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। तो ऐसे पावन तीर्थ पर बसा है हमारा प्रयागराज। ये उन चार शहरों में से ही एक है जहां विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेले का आयोजन होता है। चलिए आज मैं आपको इसी से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाता हूं। समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश प्रकट हुआ, तब देवताओं और असुरों में उसे पाने के लिए भयंकर युद्ध हुआ। ये देखकर गरुड़राज सुरक्षा के विचार से इस अमृत कुंभ को लेकर क्षीर सागर की ओर उड़ चले। कहते हैं उनकी इस यात्रा के दौरान पृथ्वी पर चार जगह अमृत की कुछ बूंदें छलक कर गिर पड़ी और इन बूंदों से उन नगरों की नदियों के पानी में अमृत जैसे। यही कारण है कि इन चार नगरों में हर 12 वर्षों पर कुंभ का पर्व मनाया जाता है। लाखों श्रद्धालु साधु संतों के सैकड़ों अवतार
गंगा जी में स्नान करते आते हैं, संगम किनारे सत्संग करते हैं।